वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है और ये बका कंपनी का कुछ है, कंपनी का जिसका नाम हमारा जो है मिट चुका है। और आज मैं आपको इसमें जो एक प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, उस प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और वो प्रॉब्लम हुआ है किस कारण से, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारा इसमें प्रॉब्लम हुआ है कि एक बहुत ही हाई एम्पेयर का मैंने एक मोटर को चला रहा था, जिसके कारण से कुछ दिन चलने के बाद एक ट्रांसफार्मर भी ही ओवरहीट हुआ। उसके बाद जो हमारा ये सब प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें जो है 405 एम्पेयर का जो कैपेसिटी दिया हुआ है उतना ही यूज करें। अगर उससे ज़्यादा होता है तब इसमें यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण से हमारा ये सब प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि एम्पेयर वाले मीटर ख़राब कर दिया है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, एम्पेयर मीटर जो ख़राब हो चुका है हमारा, वहाँ पे दूसरा मीटर मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि वोल्ट मीटर है। उसको मैं क्वार्ट्ज कंपोनेंट से मंगाया हूँ, या आप कहीं से भी मंगा सकते हैं या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। क्वार्ट्ज कंपोनेंट में थोड़ा सा लो प्राइस है बाकी जगह से, तो मैंने उस चीज़ को मंगाया हूँ, वोल्ट मीटर को। और उस वोल्ट मीटर को लगाएंगे और उसमें एम्पियर बताएगा। अब काहे बताएगा एम्पियर, उसका भी रीज़न आप जान लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे एक छोटा सा 8 टंगड़ी का आईसी लगा हुआ है, इसी के अंदर 8 टंगड़ी का, जो कि देखेंगे आपको मिल जाएगा LM85 या 58 करके कुछ नंबर है LM करके। तो वो एक एम्पलीफायर आईसी है, जिससे एम्पलीफाई करके वोल्टेज में ही निकालता है, तो कि वोल्ट मीटर उसको सेंस कर पाता है। और जितना वोल्टेज होता है फ्रेंड, वो एम्पेयर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो एक एक्यूरेट एम्पेयर नहीं बताता इसमें, लेकिन एक रियल जो हम लोग को, हमारा जो कोई भी चीज़ को चेक करेंगे तो कितना लोड बढ़ रहा है, उसके अनुसार हम लोग को पता चलता है कि हमारा सामान सही है ख़राब है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो बहुत ही कमाल का ये हमारा जो है सर्किट बोर्ड है, जिससे हम यहाँ पे चेक कर पाते हैं। और यहाँ जो हमारा मीटर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वोल्टेज सेंस नहीं कर पा रही है ऐसी, जिसके कारण मुझे यहाँ पे एम्पेयर पता नहीं चल रहा, जिस कारण से यहाँ पे इसको काट के हटा देंगे और यहाँ पे दूसरा वोल्ट मीटर को इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसको निकाल के हटा दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे दूसरा वोल्ट मीटर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे से कटिंग करके अब रिमूव कर देंगे। और फ्रेंड, हमारा जो है यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। और चलिए, मैंने जो वोल्ट मीटर को मंगाया उसका भी कनेक्शन आपको दिखाते हैं, और कैसे यहाँ पे कनेक्शन करना और किस तरीके से यहाँ पे करके इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए, इसको वोल्ट मीटर को इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे दो ही तार आपको मिलने वाली है, लेकिन तीन तार मुझे यहाँ पर चाहिए, जिसके कारण से यहाँ पर वोल्टेज सेंस कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, रेड वाले जो तार जुड़ी वहाँ पे दो पॉइंट है, लेकिन दोनों पॉइंट एक जगह पे शॉर्ट किया हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पे जब भी पावर देंगे तो जो वोल्टेज का पावर रहेगा वही वहाँ पर सेंस करके दिखाएगा। तो यहाँ पर मुझे एम्पियर वाली वोल्टेज चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो मेरा हो सकता है तो आपका भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसे कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो चलिए, यहाँ पे कनेक्शन को हटाते हैं, पहले ग्राउंड हमारा हट गया है, प्लस भी हटा लेंगे और फिर से यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ग्राउंड को ग्राउंड में रहने देंगे, प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, उसके प्लस के बाद एक पॉइंट ओवर है जिसमें सेंस करेगा वोल्टेज फ्रेंड, जिससे पावर देने से ऑन हो जाए। और एक जो शॉर्टेज है उसको हटा देना है, उसके बाद उसमें वोल्टेज दे के देखना है कि हमारा जो सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ मैं इसमें करके दिखाऊँगा, आप समझ में आ जाएगा आपको फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पर ग्राउंड तार को अच्छी तरीके से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे प्लस तार में दो तार शॉर्ट थी, उसको भी मैंने रिमूव कर लिया और सिर्फ प्लस तार को जोड़ूंगा, जिससे कि ये डिस्प्ले हमारा ऑन हो जाए। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑन होने के लिए जोड़ लिया, और एक वायर और बचा है, जिसमें भी एक ग्रीन वायर या कोई भी वायर आप
अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास जो वायर होगा वो मैं जोड़ लूँगा, आपके पास जो होगा वो जोड़ लीजिएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो वो वायर है वो डाटा जो है इसमें वोल्टेज सेंस करने के लिए दिया मतलब काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे पावर देके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑन हो रही कि नहीं फ्रेंड। तो फ्रेंड कभी भी कुछ भी करें तो अपना जो है मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक कर लें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसको ओनली 5 वोल्ट देंगे जिससे कि हमारा जो है ये मीटर ख़राब ना हो। तो कभी भी हो अपना जो है एक चीज़ को ध्यान में रखें, किसी भी चीज़ के कनेक्शन करने के लिए आप अपना जो है मल्टीमीटर से कोई भी चीज़ का वोल्टेज एक्यूरेट चेक कर लें ताकि आपका जो सामान है ख़राब होने से बच जाए फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर 5 वोल्ट में कनेक्ट करते हैं और हमारा जो है मीटर ऑन हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमारा मीटर बन गया। अब इस मीटर में एक पॉइंट और जो बच गई है उस पॉइंट को जोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज सेंस करेगी फ्रेंड, जो कि तीसरा वायर यहाँ पे कनेक्शन छूटा हुआ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस कनेक्शन को भी जोड़ लेते हैं जिससे कि हमारा जो है वोल्टेज सेंस करेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड ऐसे ही कनेक्शन होगा, साफ साफ आपको वीडियो में दिख रहा है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, कुछ दिक्कत हो रही है तो बता सकते हैं, बाकी अभी मैं उसके लिए कुछ उपाय नहीं कर सकता। तो हमारे पास Redmi Note 10 Pro का फ़ोन है फ्रेंड, उसी से मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो लगभग जितना क्लैरिटी आना चाहिए फ़ोन से उतना यहाँ पे मिल जा रही है। और चलिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ वायर पॉइंट है, यहाँ पे मैंने चेक किया था पहले, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कैसे चेक करके इसमें कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कैसे एम्पियर मारा जो कैच कर रहा है। तो एक मैं आपको एक्यूरेट तरीका ही बता देता हूँ कैसे आपको चेक करके आप यहाँ पर निकालना फ्रेंड, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। फिलहाल मैंने कनेक्शन किया हूँ और देखिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर एक कर रहा था तो यहाँ से देखिए एम्पियर हमारा जो है मीटर काम करने लगा है, लेकिन मैं जो है आपको एक्यूरेट तरीका बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एक थोड़ा सा चेक करके आपको दिखा देता हूँ हमारा जो है ये काम कर रहा है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड एम्पियर बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा फ्रेंड, थोड़ा सा वीडियो में साइट हो गया है, लेकिन एक्यूरेट करके दिखाऊँगा तो आपको सब दिखाऊँगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड आईसी है, इस आईसी का पॉइंट से ही आपको पता करना होगा। यह इसका माइक्रो कंट्रोलर जिसमें वो जो है LM385 जो है कुछ LM करके आईसी है, वो आईसी इसको वोल्टेज देता है जिससे ये सेंस करके डिस्प्ले में ये करता था। डिस्प्ले वाली आईसी सिर्फ ख़राब हो चुकी थी जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट है, इस पॉइंट में देखना चेक करके मोटर को लोड देके कि हमारा जो वोल्टेज एम्पियर जो है अप डाउन हो रहा है कि नहीं, जब लोड दे रहे हैं तब लोड ले रहा है कि नहीं, जीरो कर रहे हैं तो जीरो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लोड दे रहे तब लोड, अभी तो कुछ नहीं है लोड। एक एक पॉइंट में आपको चेक करना पड़ेगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसमें भी कुछ नहीं बताया, इसमें बता रहे फ्रेंड। अब इसको मैं हटा दिया। अब चलिए फ्रेंड ये ला पॉइंट मुझे कुछ वायर से यहाँ पे मिला है, तो इस वायर के आसपास ही मिला है फ्रेंड, तो यहीं पे कनेक्शन करके देखेंगे फ्रेंड। तो जहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाए वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे इजीली फ्रेंड। तो ये आपका कनेक्शन खोजना है फ्रेंड। और चलिए मैं यहाँ पे मोटर को देखिए एम्पियर बढ़ रहा है फ्रेंड, जितना एम्पियर यहाँ पे लोड देंगे उतना बढ़ रहा है देखिए फ्रेंड। तो ये हो गया एक एक्यूरेट हमारा जो है काम कर रहा है। और इसको एम्पियर को भी वो जो वोल्टमीटर को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा भी लोड होगा तो एम्पियर का जो है अमाउंट बताने लगेगा, जिससे कि आपका एक्यूरेट चेक कर पाएंगे। और एक एम्पियर बराबर 500 मिली एम्पियर होगा और 2 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होगा फ्रेंड, ऐसा भी सेट इसमें हो सकता है। तो मैंने उसे ही सेट करके रखा हूँ, आप भी
एडजस्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ से, और सारा चीज़ हमारा जो यहाँ पे एडजस्ट कर लिया हूँ फ्रेंड। और चलिए अब इसको असेंबल करके दिखाते हैं एक्यूरेट कैसे काम करेगा। देखिए फिलहाल मेरा जो है पूरा एक्यूरेट ही काम कर रहा है फ्रेंड। 86 कुछ एम्पीयर लोड ले रहा है, अभी नहीं ले रहा था उस टाइम, अभी एक्यूरेट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे लोड का जो वोल्टेज है यहाँ पे करके आपको एम्पीयर के अनुसार एम्पीयर के मान में दिखा रहा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसको पूरी तरीके से पैक कर लेते हैं। और फ्रेंड हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जो चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे ही रिलेटेड और रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। और कभी कभी उन्हीं उन्हीं वीडियो आता है, तो उस वीडियो को मिस ना करें, जिसके लिए मैं आपको सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ, और उससे मुझे भी एक सपोर्ट मिल जाएगा फ्रेंड, और आपका भी एक मदद हो जाएगा फ्रेंड। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना देख लीजिए। तो चलिए मेरा तो क्या है, मेरा तो काम है यही। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे चेक करके आपको दिखाते हैं, हमारा जो एक्यूरेट यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे एक मोबाइल का बैटरी को मैं चार्ज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एम्पेयर का जो लोड है वो ले रहा है, तो 4 वोल्ट में इतना ले रहा है। तो बैटरी थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए ये एक्यूरेट बहुत ज़्यादा एम्पेयर चल जा रहा है। तो जिससे जैसे बैटरी चार्ज होता जाएगा एम्पेयर जीरो होता जाएगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो बैटरी है चार्ज हो चुका है फ्रेंड। तो एक इस तरह का इसमें चेक करने का इक्विपमेंट था हमारा, लेकिन ख़राब हो गया था, जिसके कारण से मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके आपको दिखाया फ्रेंड। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।